लोग बात करते हैं क्लासरूम ट्रांजिशन के बारे में, जैसे कि कल ही मैंने आपको क्लासरूम ट्रांजिशन के बारे में बताया था कि क्लासरूम ट्रांजिशन जो होता है, क्लासरूम के डायमेंशन क्या होते हैं। आज हम बात करते हैं क्लासरूम ट्रांजिशन के अंतर्गत जो टाइम मैनेजमेंट होता है, जो समय प्रबंधन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि देखिए, जिस तरह करिकुलम ट्रांजिशन के लिए, पाठ्यक्रम संपादन के लिए विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह जब क्लासरूम ट्रांजिशन की बात करते हैं तो क्लासरूम प्लानिंग की हम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम प्लान करते हैं, हम मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैनेज चीज़ जो है मैनेजमेंट से जुड़ा है, और मैनेजमेंट एक तरह से क्लासरूम से जुड़ा हुआ है। तो क्लासरूम ट्रांजिशन की बात करेंगे, वहाँ मैनेजमेंट उससे जुड़ा हुआ है, अर्थात मैनेज करने की बात हो रही है। तो जब मैनेज करने की बात होती है, क्लासरूम संपादन की बात होती है, तो सबसे पहली बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, समय प्रबंधन की। आज उसी समय प्रबंधन के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। देखिए, क्लासरूम ट्रांजिशन में जब समय प्रबंधन की बात होती है, तो आपको याद होगा कि आप क्लासरूम, आप जब स्कूल में जाते हो तो वहाँ एक टाइम टेबल होता है, एक समय तालिका होती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर सारी क्रियाओं का संपादन करना पड़ता है, या फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लास मिलता है, आपका करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, आपका फन के लिए सारा टाइम फिक्स रहता है। तो वही सारी चीज़ों को, उसी को हम समय तालिका जो होती है क्लासरूम के लिए ही बनती है, उसी टाइम टेबल के बारे में आज हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ये टाइम टेबल ही स्कूल का और क्लासरूम का आधार होता है, जो समय को पूरी तरीके से मैनेज करता है, समय की बचत कराता है, और कार्य, जितने भी कार्य स्कूल्स में होते हैं, उन सबको एक व्यवस्थित क्रम में रखता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो टाइम टेबल होता है वो होता क्या है। समय तालिका जो स्कूल्स में या फिर कॉलेज जहाँ भी बनता है, तो उसका ये क्या होता है, तो उसको SP सुखिया के द्वारा एक डेफिनेशन दिया गया है टाइम टेबल का, कि विद्यालय में समय का तालिका, मतलब समय, जो समय की जो तालिका होती है, स्थान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह दर्पण है जिसमें विद्यालय का समस्त शैक्षिक कार्यक्रम प्रतिबंधित होता है। यह शिक्षक के कार्य को व्यवस्थित करता है तथा उन्हें संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। इसके द्वारा विद्यालय के निर्धारित समय को अधिकाधिक उपयोगी बनाया जाता है। देखिए, विद्यालय में समय तालिका का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो टाइम टेबल बनता है, क्योंकि यह वह दर्पण है, यह वह मिरर है जिसमें विद्यालय का समस्त शैक्षिक कार्यक्रम रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है। यस, मतलब कि विद्यालय की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, वो टाइम टेबल में फिक्स होती है। एक बार आप टाइम टेबल देखते हो, आपको पता चल जाता है हाँ, विद्यालय में कौन कौन सा विषय पढ़ाया जाएगा और कौन पढ़ाएगा। तो ये तो क्लासरूम का रिलेटेड हो गया ना। उसके बाद यह शिक्षक के कार्य को व्यवस्थित करता है, ये शिक्षक के कार्य को व्यवस्थित करता है और तथा उन्हें संतुलन बनाए रखने में सहायता। अगर टीचर के पास मान लीजिए टाइम टेबल नहीं होगा तो क्या करेगा, टीचर के पास टाइम टेबल नहीं होगा तो वो अपने कार्य को व्यवस्थित नहीं करेगा और साथ ही साथ संतुलित नहीं बना पाएगा। इसके द्वारा विद्यालय के निर्धारित समय को अधिकाधिक उपयोगी बनाया जाता है, जो विद्यालय के कार्यक्रम होते हैं उसको बहुत ही उपयोगी बनाया जाता है। और जैसे कि टाइम टेबल का मैंने बता दिया कि टाइम टेबल एक तरह के कह सकते हैं कि जो विभिन्न विषय एवं क्रियाएँ किस किस समय में कितनी कितनी देर में पढ़ाई जाएंगी और कौन एक्टिविटीज़ कराएगी, इन सभी क्रियाओं का निर्धारण इस टाइम टेबल के द्वारा किया जाता है। मतलब समझिए कि विद्यालय के समय का लेखा जोखा, तो लेखा जोखा जो होता है यही टाइम मैनेजमेंट हो गया, कि जो हम टाइम टेबल में सारे समय को फिक्स करते हैं कि समय प्रबंधन कैसे चलेगा, कौन क्लास लेगा कौन नहीं लेगा। तो एक तरह से ये रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ होती है, रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, और साथ ही साथ इससे टीचर को अपने कार्य करने में बहुत ही आसानी होती है। उसके बाद हम जानते हैं, यहाँ मैंने लिखा है विद्यालय के समस्त जो चेतन और अचेतन, चेतन मतलब जो मैन पावर, मतलब जो टीचर से रिलेटेड हो, जो टीचर से रिलेटेड होता है, प्रिंसिपल से रिलेटेड होता है और बच्चों से रिलेटेड होता है, और अचेतन मतलब फैन है, पंखा है, क्लासरूम है, क्लासरूम में बेंच है, डेस्क है, तो वो अचेतन हो जाएगा। तो इन सभी को व्यवहारिक रूप कौन देता है, ये समय देता है। बेंच है और आप बच्चे नहीं जा रहे हैं और टीचर नहीं जा रहे हैं और समय नहीं है पढ़ाने का, फिक्स नहीं किया गया कि इस समय कौन पढ़ाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है वो समस्त जितने भी क्रियाएं होती हैं उनको व्यवहारिक रूप देता है। और अब हम जानते हैं कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है, जो समय तालिका बनती है, जो टाइम टेबल बनता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। अध्यापक को
योग्यता तथा रुचि के अनुसार काम देना, अर्थात अध्यापक को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है। छात्रों की मानसिक तथा शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विषयों को विभाजित किया जाता है कि छात्र के मानसिक तथा शारीरिक स्थिति, देखिए छात्र की मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखते हुए हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा करिकुलम कौन पढ़ा। ऐसा नहीं कि मैथ्स पहले हम उनको आर्ट्स विषय पढ़ा देंगे और बाद में मैथ्स पढ़ा देंगे। हम देखते हैं कि हमेशा फर्स्ट हाफ में जो होता है करिकुलम जो भी बनता है फर्स्ट हाफ में क्या पढ़ाया जाता है, जो थोड़ा टफ सब्जेक्ट होता है जैसे कि साइंस है, फिर ब्रेक के तुरंत बाद थोड़ा सा बच्चा ब्रेक में रिलीज रहता है, मेंटल उसका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है खेल के दौरान, उसके बाद हम फिर उससे थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फिर जो सरल सब्जेक्ट है वो पढ़ाते हैं। तो वही है, उसके बाद निर्धारित कार्यक्रम को निश्चित समय के अंदर, जो भी कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है वो समय के अंदर समाप्त करना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी उसमें उचित स्थान देते हैं, जैसे करिकुलर एक्टिविटीज़ है, बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट है, बच्चों का डांस है, या कुछ भी रिलेटेड डिबेट प्रोग्राम है, तो उस सभी कार्यक्रम को भी हम उसमें स्थान देते हैं। विद्यालय के छात्रों को कार्य में हम लगाए रखते हैं इसके द्वारा। विद्यालय के निरीक्षण सुपरविजन कार्य को सरल बनाते हैं, कोई भी आएगा तो देखेगा हाँ ये टाइम टेबल चल रहा है ना, तो ये कौन सा क्लास चल रहा है, तो तुरंत उसका सुपरविजन कर लेगा। छात्र तथा अध्यापक में उनके कार्य के प्रति सजगता उत्पन्न करना, छात्र को पता है उसको क्या करना, अध्यापक को पता है उसको कब क्लास लेना है कब नहीं लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो तुरंत अपना जाके क्लास ले लेगा, इधर उधर नहीं बैठेगा। तो ये देखिए समस्त शैक्षिक कार्यक्रम इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पर कि जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं वो समय तालिका में टाइम टेबल में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा है टाइम के बारे में कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट